नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है चंदेश टैच यूट्यूब चैनल पर। हेलो दोस्तों, ग्लो रूट एप्लीकेशन से कैश ऑन डिलीवरी आप ऑर्डर कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में लाइव बताऊंगा प्रैक्टिकल ऑर्डर करके। तो मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप वीडियो देखकर फ्री में सीखते रहें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके मोबाइल में ग्लो रूट एप्लीकेशन डाउनलोड होना चाहिए। ये जो ग्लो रूट एप्लीकेशन है ये डाउनलोड होना चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, इसके लिए ओपन दिखा रहा है। मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको लैंग्वेज चुनने के लिए बताएगा, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। तो मैं इसको इंग्लिश में सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला। इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा, तो आप अपना कोई भी नंबर डाल के लॉगिन कर दीजिएगा। उस पर OTP जाएगा और लॉगिन हो जाएगा। तो मैं अपना नंबर डाल के लॉगिन कर रहा हूँ। नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे टच करना है यहाँ पे, तो ये लॉगिन हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए लॉगिन हो गया। अभी मान लीजिए हमको कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करना है, तो इसके लिए कोई भी प्रोडक्ट है मैं इसको चुन लूँगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे कुर्ती ऑर्डर करना है, तो कुर्ती को टच करता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट हो उससे मतलब नहीं है। और कोई भी प्रोडक्ट इसको चुनने के बाद हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसमें सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, बाई नाउ इसको। ठीक है, तो बाई नाउ पर टच करेंगे। फिर से ये जो है हमारा साइज आएगा, कौन सा साइज़ का जो है हमको सेलेक्ट करना है, कौन सा साइज़ का कपड़ा। जैसे हमको मान लीजिए कपड़ा लेना है, तो कपड़ा हमको कौन सा साइज़ का लगेगा कपड़ा, तो XL है इधर, लार्ज है इधर, XL है। तो मैं मुझे मान लीजिए मुझे लार्ज XL चाहिए, तो XL को सेलेक्ट करता हूँ। फिर से उसको मैं उसके बाद मैं XL पे बाई नाउ पर टच करेंगे। बाई नाउ पर टच करने के बाद यहाँ पे XL का मैं सेलेक्ट करता हूँ। फिर से बाई नाउ को टच करता हूँ। बाई नाउ पर जब टच करेंगे तो यहाँ पे 299 पे मांग रहा है। फिर से यहाँ पे हम एरो कंटिन्यू पर टच करेंगे। कंटिन्यू पर जब टच करेंगे तो यहाँ पे जो है ड्रेस मांगेगा पूरा डालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मांग नाम मांग रहा है, ऊपर में यहाँ पे नाम मांग रहा है। तो आपका क्या नाम है, यानी कि आप रिसेलिंग कर रहे हैं, तो जिस कस्टमर को आप भेजना चाहते हैं उनका नाम क्या है, तो वो डालना है यहाँ पे। मान लीजिए उनका नाम होगा ऐसे, मैं लिखता हूँ एग्जांपल के लिए। मान लीजिए उनका नाम होगा नेहा, नेहा नेहा लिखता हूँ। और नीचे में फिर से भी वही नाम, ये जो नाम है ऊपर वाला नाम में आपका नाम रहेगा, मैंने भेजने वाला का नाम। तो मैं अपना नाम डालता हूँ ऊपर वाला में, ऊपर अपना नीचे वाला में जो है वो कस्टमर के नाम डालना है, जो कस्टमर को चाहिए प्रोडक्ट उसका नाम डालना है। तो मान लीजिए नेहा उनका नाम रहेगा, नेहा कुमारी लिख देता हूँ। फिर से मोबाइल नंबर, उनका मोबाइल नंबर क्या है, जैसे कि डिलीवरी वाला जो है उनके पास जाएगा तो उनका मोबाइल नंबर ओरिजिनल होना चाहिए जो कि उनके पास रहे, और डिलीवरी वाला अपना प्रोडक्ट जो है उनको दे सकते हैं। मान लीजिए उनका मोबाइल नंबर 10 नंबर डालना है, कोई भी उनका नंबर होना चाहिए ओरिजिनल। ठीक है, तो मैं 10 नंबर एग्जांपल के लिए डालता हूँ, मैं 10 डाल दिया। फिर से उनका पोस्ट ऑफिस का पिन कोड क्या है, तो उनका पोस्ट ऑफिस का पिन कोड जो है ना, जैसे कि कस्टमर का जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो आधार कार्ड पर लिखा रहता है, तो यहाँ पर डालिएगा उसको। ठीक है, बराबर देख के। तो मैं आप अपना पोस्ट ऑफिस का पिन कोड डालता हूँ। ठीक है, उसके बाद से एड्रेस, गांव का नाम क्या है, विलेज, पोस्ट और ज़िला। तो विलेज क्या है, तो विलेज प्लस पोस्ट क्या है उनका, कस्टमर का पूछ लीजिएगा, वो यहाँ पे डालिएगा। ज़िला कौन सा है वो डालिएगा, मेरा ज़िला गोपालगंज, तो मैं गोपालगंज डालता हूँ। गोपालगंज लैंडमार्क, यानी उनके घर के पास कोई मंदिर मस्जिद स्कूल कुछ है तो वो डालिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे घर के पास राम जानकी मठ है, तो वो डालता हूँ मैं, मठिया है वही डालता हूँ मैं, राम जानकी मठ। ठीक है, और स्टेट बिहार सेलेक्ट हो गया। अब फिर से उसके बाद से आप जो है कंटिन्यू पर टच कर देंगे यहाँ पे।
मैं कंटिन्यू टच करता हूँ, पे वार्निंग दिखा रहा है, तो ये हमको ये प्लस हटाना पड़ेगा, ये जो प्लस दिया है ना वो हटाना पड़ेगा। विलेज के बाद जो प्लस है उसको हटाता हूँ मैं, अभी हट गया। अभी फिर से मैं कंटिन्यू पे टच करता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू पे टच करता हूँ, ये देखिए। अभी देखिए, अभी यहाँ पे बता रहा है कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करेंगे तो 14 रुपया घर पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं तो आप ATM कार्ड से भी जो है पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, तो हमको ATM कार्ड से पेमेंट नहीं करना है, हमको हमारा टॉपिक है कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करने का। तो मैं यहाँ पे पैलेस ऑर्डर पर टच करूँगा, पैलेस ऑर्डर पर टच करूँगा, तो ये जो हमारा ऑर्डर हो गया और इसको मैं अलाउ करता हूँ, ठीक है। ये ऑर्डर हो गया, देखिए इसको मैसेज भी आ गया, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ ऑर्डर हुआ कि नहीं। आपको माई ऑर्डर में आपको इसके लिए क्या करना है, माई अकाउंट पर टच करेंगे, यहाँ पे माई अकाउंट पर टच करेंगे, फिर से उसके बाद से आपको माई ऑर्डर पर टच करना है, यहाँ पे, यहाँ पे माई ऑर्डर पर टच करेंगे। ये देखिए मेरा अभी का ऑर्डर हुआ है 13 तारीख को, ये जो डिलीवरी जो हमारा है 20 तारीख को मिलेगा, ठीक है। ये हमको हमारा जो है कुर्ती हमको चाहिए था, इसके लिए मैं आपको ऑर्डर करके लाइव दिखाया, ठीक है। तो आप ऐसे जो है जो इसमें गोलो रोड एप्लीकेशन में आप कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सीख चुके हैं लाइव कि गोलो रोड एप्लीकेशन से कैश ऑन डिलीवरी कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए आप खुद से भी कर सकते हैं, अपने खुद के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं, या कस्टमर को रीसेल करने के लिए भी कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो आपको अगर पसंद आए तो ही आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट में कोई सवाल है तो पूछना ना भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।